अरे भैया ये टूथब्रश क्या भाव है? क्या भाव का क्या मतलब? यहाँ मैं आलू टमाटर प्याज बेच रहा हूँ भाव। अरे भैया भड़क क्यों रहे हो, बताओ ना क्या भाव है? 27 का 1। अच्छा 27 का 1 दे दूँ? अरे नहीं नहीं भैया, मैं बस ऐसे ही पूछ रहा था। भैया ये सिर्फ कैसे दिए? फिर वही कैसे दिए, अरे सब्जी वाला थोड़ी। 50 का 1। 50 का 1 दे दूँ? अरे नहीं नहीं भैया, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था, क्या पता केबीसी में आ जाए तो सवाल का जवाब दे दूंगा ना। अच्छा भैया ये इंजेक्शन कैसे दिया? कैसे दिया? अरे भैया इंजेक्शन कैसे दिया? भैया कैसे दिया? हाँ बेबी। जी अजी कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है, कोई मीठी सी गोली दो ना। अबे ओ चोटी फेल, ये दवाई की दुकान है हलवाई की नहीं, चल जान दे बे चुपचाप, मीठा खाना है इनको। अरे कुछ नहीं, मेरी बीवी का भाई आ रखा है, तुम बताओ ना तुम कैसी हो मेरी हींग गोली। भैया भैया जल्दी से मुझे रुई और पट्टी दे दो, मेरी बूढ़ी माँ का हाथ कट गया, बहुत तेज खून बह रहा है। भैया ना गर्म पानी से सिकाई करने वाली बोतल दे दो, मेरी बीवी को बच्चा होने वाला है, उसे कमर में बहुत दर्द है, उसकी सिकाई करनी है। अरे भैया आपको टिक नहीं रहा क्या, कॉल पे बात कर रहा हूँ मैं, एक मिनट रुको जरा। ओए माँ। हाँ बेबी, अभी ना वो जरा कस्टमर आए हैं, करता हूँ मैं बात, होल्ड पे रहना। हाँ तो भैया बताओ, आपकी माँ को बच्चा होने वाला है और उनकी कमर में दर्द है। अरे नहीं भैया, मेरी माँ का हाथ कट गया है, बहुत तेज खून बह रहा है, रुई और पट्टी दे दो। जी जी दीदी ने गर्मा गर्म आलू के पराठे भेजे, चलो और लंच करते हैं। 10 मिनट में कस्टमर आ रहे हैं। चाचा हाँ जी, तो आपकी माँ प्रेग्नेंट है और वो पराठे देने वाली है। अरे नहीं यार, मेरी माँ नहीं, मेरी बीवी प्रेग्नेंट है। अरे तो अभी तो आप कह रहे थे कि बहुत खून बह रहा है आपके बच्चे का। अरे भैया खून तो मेरी माँ का बह रहा है। अरे खून कैसे बहरा हो सकता है, खून ना अंधा हो सकता है ना गूंगा हो सकता है ना बहरा हो सकता है। जी पागल है यार तुम लोग भी। हाँ बेबी कौन सा कार्टून देख रही हो? छोटा भीम। अरे वो चटक सा पासिक, काम पे ध्यान दे ले काम पे। कौन बोला, कौन बोला? हाँ जी बताइए, तो आपकी माँ प्रेग्नेंट है और छोटा भीम को जन्म देने वाली है बराबर? अबे नाली के कीड़े, मेरी बीवी को बच्चा होने वाला है। अरे लेकिन आपके तो बच्चे का हाथ कट गया था ना। अरे बच्चे का नहीं, मेरी माँ का हाथ कट गया है भाई, मुझे जल्दी से रुई और पट्टी दे दो यार। जी जी जल्दी आओ ना, पनीर पराठा ठंडा हो रहा है। क्या पराठे पनीर वाले? अरे पहले क्यों नहीं बताया, अभी आया। भैया जल्दी यार दवाई लो, मेरे पराठे ठंडे हो रहे हैं। आप क्या बोल रहे थे कि आपकी माँ छोटा भीम को जन्म देने वाली है और आपको चाहिए सिकाई की गर्म वाली बोतल है, वही चाहिए ना? अभी देता हूँ। अबे तेरी तो। अरे भैया बच्चे का डायपर देना। भैया क्या साइज चाहिए बताओ, स्मॉल मीडियम लार्ज एक्स्ट्रा लार्ज 26 नंबर 24 नंबर 28 नंबर? भैया कुछ तो बताओ क्या साइज चाहिए, ऐसे कैसे दे रहे हैं आपको? हे नंबर भी आते हैं, रुको मैं कॉल करके पूछता हूँ। अरे नहीं नहीं भैया फोन करने की क्या जरूरत है, आप एक काम करो, आप ना बच्चे के पिछवाड़े की फोटो मंगवा लो, हम तो फोटो देख के पहचान जाते हैं पिछवाड़े का साइज। नहीं तो काम करो, अपना हाथ से बता दो कितना बड़ा पिछवाड़ा है। बस भाई सब बिल्कुल इतना ही बड़ा है मेरे बच्चे का पिछवाड़ा, बिल्कुल आपके चेहरे जितना, मतलब अगर आपकी आंख नाक और मुंह हटा दूं तो आपकी शक्ल बिल्कुल मेरे बच्चे के पिछवाड़े जैसी लगेगी। अबे ओ दूर हट, अब क्या मेरे मुंह पे पहनाएगा डायपर? वाह क्या आइडिया है, रुको अभी पहनाता हूँ। हाँ ये साइज है तो परफेक्ट है मेरे बच्चे के डायपर के लिए। भैया ये दे दो और 100 पीस दे देना। ए पागल के बच्चे, कुछ लेना तो ले वरना निकल यहाँ से, खराब करने आ जाते हैं सुबह सुबह मुंह पे डायपर पहनाने। अरे भैया नाराज क्यों होते हो, अच्छा लाओ निप्पल दे दो। नेपाल? भैया नेपाल तो नहीं दे सकता, वो तो इंडिया के बाहर है ना। अबे निप्पल बोलो, निप्पल, नेपाल नहीं। अच्छा निप्पल, ये लो भैया निप्पल लो। अबे ओ बच्चे की दूध की बोतल का निप्पल मांग रहा हूँ मैं, ना कि ये। बड़े भाई जल्दी करो, जल्दी, बहुत जल्दी, टाइम नहीं है जल्दी से। अबे ओ नाभी के महल, कब से बोल रहा है जल्दी करो जल्दी करो, करना क्या है ये तो बता। बड़े भाई, बड़े भाई मुझे बहुत जोर से चक्कर आ रहे हैं, कमजोरी महसूस हो रही है, मुझे लग रहा है मेरा बीपी लो है, तू चेक कर दे यार बीपी। अबे इसे कमजोरी कहते हैं कमजोरी, एक काम कर घर जा और कुछ खा पी कर आ। ओह नो। अबे यार मेडिकल फॉर्म में बीपी तो भरना ही है। ओह गुड्डू भाई बचा ले यार, बहुत दर्द हो रहा है। अरे ओ मर मत कर रहा हूँ चेक, अगर ओवर एक्टिंग तो ओलंपिक होता ना तो कसम से बता रहा हूँ गोल्ड लेकर आता तू, कर रहा हूँ तेरा बीपी चेक खानी तो। सही तो है बीपी एकदम नॉर्मल है।
अरे जितना तेरा बीपी आया ना, अगर उतना नंबर तेरे स्कूल में आ जाते तो आज कहीं अफसर लगा होता। परेशान करके रखा हुआ है मेरे को। पानी क्यों नहीं है इसमें? बड़े भाई एक काम और कर दे, मेरे यूरिन का सैंपल ना वो टेस्ट करवा दे। पढ़ा ही नहीं है मेरा, प्लीज ना यार करवा दे। लो जी। ओ छोटू, तेरे मामा की बारात नहीं है जो तू जूस ला के रखता है दुकान पे? पानी की बोतल रखी नहीं जाती इनसे टाइम से, जूस पियेंगे। और सुन ले तू, पीपल के पेड़ के नीचे सोए हुए कौवे, यूरिन सैंपल टेस्ट कर लेना तुझे अपना, तो उसके लिए ना तेरे को सैंपल लाना होता है, यानी कि अपना सुसू सुबह का गर्मा गर्म लाया तू? लाया तो था। अरे मेरी शक्ल क्या देख रहा है, कहाँ है सैंपल? भाई इसी में तो सैंपल आया था जो तुम पी गए। तूने मुझे अपना सुसू पिला दिया। दवाई 15% ऑफ। आप बस बीमार हो, डिस्काउंट देना हमारी जिम्मेदारी। दवाई। भैया छाती में बहुत दर्द सा उठ रहा। भैया क्या बात कर रहे हो भैया, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि आपके सीने के अंदर माधुरी दीक्षित कितना धक्के धक्के करने लगा, ऐसा हो रहा है ऐसा? हाँ भैया बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है कि सीने में माधुरी दीक्षित एकदम धक्के धक्के करने लगा, ऐसा ही लग रहा है भैया। और भैया क्या आपको ऐसा भी लग रहा है कि आपकी छाती पे, मेरा मतलब इस मजबूत छाती पे कुछ किसी ने कुछ हैवी सा रख दिया, एकदम भारी सा कुछ? हाँ भैया बिल्कुल वैसा ही लग रहा है। और क्या आपको सुबह से कुछ खाने पीने की इच्छा भी नहीं हो रही? हाँ भैया हाँ, एकदम सेम टू सेम। आप तो कमाल हो भैया। मुबारक हो, आपको तो गैस हुई है। गैस? अरे भैया छाती में दर्द है, पेट में नहीं, शायद मुझको हार्ट का कैंसर है भैया। हार्ट का कैंसर? हाँ भैया देखो ना, गूगल पर भी सेम दिखा रहा है। अबे एक काम करो, ये दवाई ले लो, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा भैया ये दवाई कैसे लेनी है? मुंह से। देखो ये दवाई है, इसका रैपर फाड़ना है, इसमें से गोली निकालनी है, फिर उसके बाद मुंह में डाल लेनी है। सिंपल। आप क्या कान से खाते हो? अरे भैया मेरा मतलब ये था कि कितने टाइम लेनी है? दिन में एक बार। लेकिन भैया गूगल पर तो 3 बार बता रहा है। अबे एक तो तेरा ये गूगल पे ये नहीं लिखा कि तेरा दिमाग कबूतर की बुआ की बेटी जैसा है? अरे तो हद मचा रखी है गूगल। अच्छा भैया एक लास्ट बात बता दो, ये दवाई पानी के साथ लेनी है या ऐसी लेनी है? पानी के साथ लेनी है। और क्या? गलत जवाब। भैया गूगल के हिसाब से तो ये दवाई दूध के साथ लेनी है। मुझे तो लगता है कि आपको कुछ आधा जाता नहीं है। एक काम करो, जरा गूगल पे देख के बताओ आपको अगला थप्पड़ कब पड़ेगा। क्या मतलब? क्या मतलब? ये है, मतलब ये कि गूगल को तो सब पता है ना, आपके गूगल को तो, बताओ कब पड़ेगा अगला थप्पड़। अरे बताओ ना, आ जाते हैं मुंह उठा के गूगल। ओ मेरा बालम थानेदार चला वे जिप्सी। भैया आसपास को डॉक्टर है, जल्दी बताओ बहुत इमरजेंसी है। लो भैया ये तो वही बात हो गई कि स्कूल के प्रिंसिपल से पूछ रहे हो कि कभी स्कूल गए हो। हैं? मतलब? मतलब ये कि भैया मैं किसी डॉक्टर से कम थोड़ी हूँ। आप बताओ क्या दिक्कत है भैया, सर्जरी तक कर चुका हूँ मैं। हैं? सच्ची? कैसी सर्जरी? पेट की, हाथ की या पैर की? बैगन की। बैगन की? हाँ वो कल रात मैंने बैगन का भरता बनाया था ना, तो बैगन को काटा था सर्जरी करके। खैर वो सब छोड़ो, आप बताओ आपको क्या हुआ? भैया मुझे ना बहुत जोर से लूज मोशन लग गए हैं। हैं? लूज मोशन? लाओ अभी टाइट कर देते। भैया ये क्या है? ये भैया स्क्रू ड्राइवर है, इससे तो मैंने बड़ी बड़ी चीजें टाइट करी है, दरवाजे मोटर पंखे। अरे आपके तो खाली मोशन लूज हुए हैं, अभी टाइट कर देता हूँ, घूमो। ये पागल, मुझे लूज मोशन लगे हैं, पेट खराब है, कुछ भी खाता हूँ सर से बाहर निकल जाता है। अच्छा तो ऐसे बोलो ना, टट्टियां लगी हैं, कभी इलाज है मेरे पास? हाँ कर दो फटाफट इलाज। हाँ भाई कैसी लगी, रुक गई ना पोटी? अबे ओ छोटा रिचार्ज, इतनी जोर से थप्पड़ क्यों मारा? तुझे पता नहीं है कितना क्रिटिकल मामला है? ओह नो। किसी भी टाइम नया पजामा पहले गीला और फिर पीला हो सकता है। कमाल की बात है, मैं जब बचपन में जुआ खेलता था तो मेरे पिताजी ने मुझे थप्पड़ मारा था, मेरा जुआ खेलना तो बंद हो गया था। मेरे थप्पड़ से आपके दस्त बंद क्यों नहीं हुए? गलती मैं नहीं, यहाँ कर मैं जा रहा हूँ, दवाई तो है नहीं तुम्हारे पास? अरे है ना दवाई, ये लो। अबे जब तेरे पास ये दवाई थी तो तूने मुझे पहले क्यों नहीं दी? खामखा थप्पड़ मार दिया। जल्दी से खा लेता हूँ वरना शाम तक पीले पजामे धोने पड़ेंगे। भैया मेरी ये सर से आने वाली पॉटी शाम तक रुक तो जाएगी ना? शाम तक? अरे भैया अभी रुक जाएगी 10 सेकंड में, चूहे मारने की दवाई तो तुरंत काम करती है। क्या तूने मुझे चूहे मारने की दवाई खिला दी? और क्या, इस दवाई से घर में चूहे आने बंद हो जाते हैं, तो जाहिर सी बात है ना भैया आपकी पॉटी आनी तो बंद हो ही जाएगी।
अबे दांत में लगे हुए कीड़े, तूने मुझे जहर खिला दिया, तेरी तो। हे गाइस, तो कैसी लगी आपको वीडियो? अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके मेरे को अपना हेलो लो लो आ जाओ, कमेंट करके अपना बेस्ट पार्ट जरूर बताना और फटाफट आ जाओ। और जिसने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं करा तो क्या कर रहे हो, आ जाओ आ जाओ। जिसने चैनल सब्सक्राइब कर नहीं करा सब्सक्राइब कर दो, पक्का जाना। तो मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियो के साथ, तब तक बाय।